तो आज मैं आपको कोरियन रमेन बनाकर दिखाऊंगी, वो भी इंस्टेंट नूडल्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें मैं अंडा डाल रही हूँ। इसे 7 मिनट तक बॉईल कीजिए क्योंकि हमें ये हाफ बॉईल करना है। उसके बाद ठंडे पानी में डाल दीजिए और इसको साइड में रख दीजिए। तो हमारा अंडा तैयार है। उसके बाद एक पैन में तेल दीजिए, थोड़ा सा पैन गर्म होने के बाद। और थोड़ा सा तेल देने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर चिकन सॉसेज डाल रही हूँ और इसे गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके साइड में रख दीजिए। अगर आपके पास चिकन सॉसेज नहीं है तो चिकन ब्रेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सॉसेज चाहिए तो आपको कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। तो ये तैयार है, इसको साइड में रख दीजिए। उसके बाद मैं उसी तेल में डाल रही हूँ मशरूम। इसे थोड़ा सा करीब 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। अब मशरूम फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, ग्रीन ऑनियन यानी कि प्याज का जो पत्ता होता है वो। अब हम इसमें पानी डालेंगे करीब 1.5 कप के आसपास। उसके बाद सोया सॉस, नूडल्स मसाला, उसके बाद टोमेटो सॉस, उसके बाद थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक। दोस्तों आपको कोरियन इंस्टेंट रमेन का भी जो पैकेट है वो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। उसके बाद मैं इसमें नूडल्स डाल रही हूँ। नूडल्स को तोड़िएगा मत, पानी में जब उबाल आ जाए तभी नूडल्स को डालिए। और नूडल्स डालने के बाद नूडल्स को तोड़िएगा मत, इसे इसी तरह से रखिए और अच्छी तरह से पका लीजिए। ये देखिए, ये लंबा इस तरह का रहना चाहिए और ये अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद ये तैयार है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब हम इसको सर्व कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह का बोल है तो बहुत ही अच्छा दिखेगा ये। सबसे पहले नूडल्स को इस तरह से सर्व कीजिए। उसके बाद मैं इसका सूप इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मशरूम डाल रही हूँ। दोस्तों अपने मन के हिसाब से भी आप इसको सजा सकते हैं। इसमें चिकन सॉसेज डाल रही हूँ। उसके बाद अंडा, उसके बाद ग्रीन अनियन। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा सेसम सीड यानी कि तिल डाल रही हूँ और ये तैयार है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैंने बहुत ही इजी तरीके से करके आपको बता दिया। इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोरियन इंस्टेंट रमेन का जो नूडल्स है वो भी आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय। और हाँ दोस्तों, ये वाला जो रेसिपी है ये मैंने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था तो एक रिक्वेस्ट आया था कि नारुतो के जो इचिराकु रमेन है उसका, तो वो रमेन भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए तब तक।